दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे भिखारी फिल्म इंडस्ट्री अब आउट ऑफ क्रिएटिविटी के दौर से गुजर रही है। ना ही कोई ढंग की कहानी बची है और ना ही कोई कॉन्सेप्ट। जब कुछ बचा ही नहीं है तो इन्होंने बायोपिक का धंधा शुरू कर दिया है और उसमें भी इन्होंने सबको इंक्लूड कर लिया है, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स और आतंकवादियों तक को नहीं छोड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक मशहूर आतंकवादी की ही बायोपिक है, ओमेर्ता। यह एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जो कि दुनिया के सबसे हरामी आतंकवादियों में से एक अहमद उमर शहीद से की बायोपिक है, जिसे मुकुल देव ने लिखा है और हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। इसे 4 मार्च 2018 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। ओमेर्ता दरअसल एक इटालियन स्लैंग है जो कि उसके लिए रिस्पेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि बहुत शांत स्वभाव का रहता है लेकिन अपनी चुप्पी से दुनिया के सारे खतरनाक काम करता है, और इस फिल्म में उसी की जिंदगी के बारे में बताया गया है। फिल्म की कहानी 1994 की किडनैपिंग से स्टार्ट होती है, जहां उमर ने 3 ब्रिटिश और एक अमेरिकन को किडनैप कर लिया था, फिर उसे पकड़कर तिहाड़ जेल में आजीवन कैद के लिए भेज दिया जाता है। इसी बीच कहानी फ्लैशबैक में कंटिन्यू रहती है। वो कैसा था, क्या करता था, इस जहन्नुम को ज्वाइन करने के लिए उसे किस चीज ने इंस्पायर किया था, हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार डेनियल पर्ल का कितनी बेरहमी से मर्डर किया था, जिसके बाद उसे आजीवन जेल में रहने की सजा दी गई थी। इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश आतंकवादी उमर सईद में अच्छाई तो थी ही नहीं और बुराई तो इतनी थी कि आपका सुन के ही दिमाग खराब हो जाए। सच कहूं तो अगर ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता ना तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन साले की मती ही मारी गई थी जो उसने जिहाद को चुना। उसे यह लगता था कि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सारे लोग काफिर होते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। सईद को दुनिया ओसामा बिन लादेन के खास बेटे के रूप में भी जानती है। दुनिया के लिए उसे आजीवन जेल में बंद किया गया है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान की जेल में ऐश कर रहा है और अपने सारे काम को ऑपरेट कर रहा है। अब जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आतंकवादियों पर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ हंसल मेहता बेशक तारीफ के लायक है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भले ही यह फिल्म क्रिटिक्स और व्यूअर का दिल जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो राजकुमार राव ने एक बार फिर से यह प्रूव कर दिया है कि चाहे कितना भी मुश्किल रोल क्यों ना हो, वो बहुत ही खूबसूरती से उसे प्ले कर सकते हैं। एक टाइम के लिए लग रहा था जैसे हम असली आतंकवादी को देख रहे हो। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और बाकी कैरेक्टर्स का तो उतना कुछ खास था नहीं सिवाय उमर के पिता के, लेकिन फिर भी सबने अपना बेस्ट दिया है। यह मूवी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इसे 2017 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल प्रेजेंटेशन के सेक्शन में दिखाई गई थी, जहां इसकी खूब तारीफ की गई थी। इसके साथ ही इसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल, फ्लोरेंस फिल्म फेस्टिवल, हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बुसान फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा चुका है। इस फिल्म के माध्यम से भले ही आतंकवादियों की बहुत बड़ाई ना की गई हो, लेकिन आखिर क्या ये आतंकवादियों पर बायोपिक बनाना सही है? मतलब अब यही रह गया कि आतंकवादियों की बायोपिक देखनी पड़ेगी? मतलब बॉलीवुड के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आतंकवादियों की फिल्में बनानी पड़ रही हैं। अब उस आतंकवादी को जब पता चलेगा कि उसके ऊपर बॉलीवुड फिल्म बनाई गई है तो कितना खुश होगा चूतिया साला। बस अब यही देखना बाकी रह गया था, इन बॉलीवुड के पास कॉन्सेप्ट का अकाल पड़ गया है। खैर, तो अगर आपने यह मूवी देखी है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।